इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आरोपियों पर सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है। सीबीआई ने तीनों आरोपियों आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी को रिमांड लेकर प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है, जिस पर आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है। मामले के तीनों आरोपी आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी फिलहाल जेल में बंद है और सीबीआई ने इन आरोपियों से को रिमांड में लेकर डिवाइस और साथ ही साथ वीडियोस बरामद करने चाहती है, जिसके जरिए नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी और डिवाइस बरामद करने के लिए सीबीआई को वही मौत की जांच के सिलसिले में प्रयागराज पहुंची सीबीआई की टीम ने सीन को रिक्रिएट किया। सीबीआई की टीम रविवार को बागमबरी मठ पहुंची और वहां पहुंचकर सीन को रिक्रिएट किया गया और इसके लिए सीबीआई ने उस पंखे से महंत नरेंद्र के जिससे कि उनकी लाश लटकी मिली थी। सीबीआई टीम ने कई लोगों से पूछताछ की है और महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बलवीर गिरी से भी पूछताछ की गई है। महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत में बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।